उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूछें भाई, बहुत बताएं। खान साहब से मिलने जा रहे हैं आप? फिलहाल तो दहशतगर्दी के दायरे जा रहे हैं, चलना है। आपने तो आप ही आज साहब प्लान क्या है? खान साहब से मिलने जाएंगे, यहाँ से जब फ्री हो जाएंगे। प्लान है दहशतगर्दी की अदालत में जाना, पहले अपना केस तो भुगते हैं। सर, पीटीआई के जो ओहदे छोड़े, अफसोस है? फिलहाल दहशतगर्दी अदालत और उससे अफसोस है, पछतावा या फैसला मत रोकिए सर। सवाल बार बार पूछने से क्या होगा जज साहब को? मैं क्या कह सकता हूँ? क्या सर, पब्लिक प्रेशर इतना है कि अवाम कहती है कि इमरान खान ने जो एक फ्रंट लाइन फ्रंट ईयर लीडरशिप थी, वो सारी रेत की दीवार साबित हुई है। और आपके लिए एक बड़ी इज्जत थी पब्लिक में, आपकी पार्टी में, तो आप भी इस मुश्किल वक्त में खान के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? आप ही फैसला कर लें भाई जान। सर, आप अपना मौकफ दे देना। मेरा मौकफ अवाम के पास मौजूद है। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पीटीआई का, आप बताएं। आप साथी हैं यार, आप बताएंगे। हमने तो आपने मुझसे सुना है कि आप क्या कहते हैं। पर रुकिए सर, लेकिन मैंने आपका सुन लेना। मुखालफिन कहते हैं आप लोग मुश्किल वक्त के लिए तैयार ही नहीं थे। जाने दें चलो। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूछे भाई, वो बताएंगे। खान साहब से मिलने जा रहे हैं आप? फिलहाल तो दहशतगर्दी के दायरे जा रहे हैं, चलना है। अगर आपने तो आप ही आज साहब प्लान क्या है? खान साहब से मिलने जाएंगे, यहाँ से जब फ्री हो जाएंगे। प्लान है दहशतगर्दी की अदालत में जाना, पहले अपना केस तो भुगते हैं। सर, पीटीआई के जो ओहदे छोड़े, अफसोस है? फिलहाल दहशतगर्दी अदालत और उससे अफसोस है, पछतावा या फैसला मत रोकिए सर। सवाल बार बार पूछने से क्या होगा? जज साहब को मैं क्या कह सकता हूँ? सर, पब्लिक प्रेशर इतना है कि अवाम कहती है कि इमरान खान ने जो एक फ्रंट लाइन फ्रंट ईयर लीडरशिप थी, वो सारी रेत की दीवार साबित हुई है। और आपके लिए एक बड़ी इज्जत थी पब्लिक में, आपकी पार्टी में, तो आप भी इस मुश्किल वक्त में खान के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? आप ही फैसला कर लें भाई जान। सर, आप अपना मौकफ दे देना। मेरा मौकफ अवाम के पास मौजूद है। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पीटीआई का, आप बताएं। आप साथी हैं यार, आप बताएंगे। हमने तो आपने मुझसे सुना है कि आप क्या कहते हैं। रुक जाए सर, लेकिन मैंने आपका सुन लेना। मुखालफिन कहते हैं आप लोग मुश्किल वक्त के लिए तैयार ही नहीं थे। जाने दें चलो।